आपकी टीएसडी है, टीएसडी करना है, कोई एमसीबी ट्रिप है ना, कोई एमसीबी ट्रिप है, उसे रिसेट करनी है, तो देखा कि ये तो एसबी वन पैनल में लगी है, एसबी टू पैनल में लगी है, तो भाई जब तक गाड़ी खड़ा ना करो तब तक तो आप उसे रिसेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्वाप करना है तो आपको सेक्शन क्लियर करके गाड़ी तो खड़ा करना ही करना है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट थे, ऐसे जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट थे कि जिसमें हमें इस फॉल्ट को पुटराइट करना था, तो उसके लिए भी हमें तो गाड़ी खड़ी करनी ही पड़ती थी और उसके बाद ही हम काम कर सकते थे। तो अभी अभी एक मॉडिफिकेशन आया है एक दो साल में कि आप बिना गाड़ी खड़ी किए भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर सकते हो, बिना गाड़ी खड़ी किए भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए एक लोगों के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जिसको वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो ये व्हीकल कंट्रोल यूनिट के द्वारा, वीसीयू के द्वारा हम गाड़ी को खड़ी किए बिना भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर सकते हैं। तो जब चलती गाड़ी में ब्लॉक सेक्शन में मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने की आवश्यकता होती है, जैसे हमें, मैंने आपको बताया कि ट्रबल शूटिंग है, कोई भी न्यूमेटिक फेलियर के अलावा, कोई भी न्यूमेटिक फेलियर के अलावा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने की आवश्यकता होती है। तो गाड़ी को सेक्शन में खड़ा करने के बाद ही एमसी को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। मानो कि सेक्शन क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन सेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो हमें सेक्शन में खड़ा रहना पड़ेगा और वहां पर हमारा टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो एमसी को ऑफ करने से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जब आप एमसी को ऑफ करते हो तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बीपी प्रेशर भी ड्रॉप होता है और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगकर गाड़ी खड़ी हो जाती है। जब हम एमसी को ऑफ करते हैं तो बीपी प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। उससे पहले भी तो हम ए नाइन से इमरजेंसी मारते हैं, लेकिन यहां पर भी आपकी गाड़ी में बीपी प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा एमसी को आप ऑफ करते हो तब। तो इसके कारण क्या होता है कि भाई ब्लॉक सेक्शन हमारा अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे गाड़ियों की समय पालनता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे गाड़ियों की समय पालनता पर प्रभाव पड़ता है। और इस कारण ये वीसीयू मॉडिफिकेशन किया गया है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो आपको एसबी वन पैनल में, एसबी वन पैनल में ये वीसीयू के लिए एक पुश बटन मिलेगा। ये जैसे यहां पर एक येलो कलर का पुश बटन है, वहां लिखा भी रहेगा कि वीसीयू, वहां पर लिखा भी रहेगा वीसीयू। तो इसमें एसबी वन पैनल में एक वीसीयू रिसेट स्विच एवं एक रिले लगाई गई है। तो जब कभी हमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना है और प्रेशर भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, जिससे ट्रबल शूटिंग आसानी से हो और हमारे सबकी भी बचत हो, तो इसके लिए क्या करना है कि ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर, मानो कि यहां पर आप ये काम कर सकते हो लेकिन ब्रेक सिस्टम में कोई खराबी आती है, हमारे न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के अंदर कोई खराबी आती है, तो वहां पर तो हमें इसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते, वहां पर हमें तो गाड़ी जो खड़ी हो जाएगी। तो आप नियम के अनुसार कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके ऑन करो। तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर एमसी ऑफ करना पड़े तो वीसीयू स्विच का उपयोग न करके पुराने तरीके से गाड़ी खड़ी करके ही एमसी ऑफ करना पड़ेगा। एमसी ऑफ करने के लिए अब विधि क्या है, एमसी ऑफ करने के लिए क्या विधि है? तो गाड़ी चल रही है तो उसी गति से गाड़ी को चलने दे, गाड़ी को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल
डीजे ओपन करना है, जेडपीटी के द्वारा पेंटो लोअर करें और बीएल चाबी को भी छेड़ना नहीं है। बीएल चाबी आपकी डी पर है तो उसको डी पर ही रहने देना है। एसबी वन पैनल पर लगे वीसीयू रिसेट स्विच जो है, मतलब पुश बटन है, उसको प्रेस करें तो 3-4 सेकंड तक उसको प्रेस करना है वीसीयू पुश बटन को। तो 3-4 सेकंड तक जब आप उसको प्रेस करोगे तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा, परंतु बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आपकी बीएल चाबी जो है वो डी पर है। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बिना बीपी प्रेशर ड्रॉप हुए ऑफ होगा, आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होने के सभी संकेत कैब में मिल जाएंगे। और 50 सेकंड के लिए ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होगा, 50 सेकंड के बाद में वापस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑन होगा। और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होकर वही सब संकेत आएंगे आपके, ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज वेट, आपका 20 सेकंड के लिए सेल्फ टेस्टिंग होगा, फिर आपका 504 का नोड आएगा। तो जैसे ही 504 का नोड आता है तो हमें पेंटो रेस कर लेना है, 550 का नोड आए बीसीबी क्लोज कर लो, उस तरह से नोड के अनुसार वापस आप लोग को एनर्जाइज करके गाड़ी को चला सकते हो। तो ये जो 50 सेकंड का समय है उस समय आपकी एमसीबी ट्रिप करनी है या ट्रिप एमसीबी को रिसेट करनी है तो वो काम आप बिना गाड़ी को खड़ी किए, बिना गाड़ी को खड़ी किए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके भी कर सकते हो। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करने का तरीका आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये दोनों तरीके लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। गाड़ी चल रही है तो चलने देना है, गाड़ी को रोकना नहीं है, बीसीबी ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है, बीएल चाबी को डी पर ही रहने देना है और एसबी वन पैनल पर वीसीयू पुश बटन को 3-4 सेकंड के लिए दबाना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। 50 सेकंड के लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होगा तो उस 50 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना जो भी काम है, एमसीबी ट्रिप करना, रिसेट करना, वो काम आप कर लो। फिर 50 सेकंड के बाद अपने आप कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा। तो जब आपका 504 का नोड आता है तब आप पेंटो रेस करो, 550 का नोड आता है डीजे क्लोज करो और उसी तरह आपकी गाड़ी को नॉर्मल रूप से बिना खड़ी किए आप ट्रबल शूट कर सकते हो।